न्यूज फॉर नेशन की एक पुकार, घर पर रहिए सपरिवार, स्टे होम स्टे सेफ। नमस्कार, मैं रोहित कुमार, आप न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं। अगर आप भी बेवजह घर से निकलते हैं, लॉकडाउन का पालन नहीं करते हैं, या फिर आप भी लॉकडाउन तोड़ने को अपनी बहादुरी समझते हैं, तो सतर्क हो जाइए। ये खबर आपके लिए है, क्योंकि अब बिहार पुलिस ने कमर कस ली है। अगर कोई भी शख्स बेवजह लॉकडाउन तोड़ते हुए पाया जाता है तो उसे 14 दिनों के लिए, याद रखिए, 14 दिनों के लिए होम आइसोलेशन में भेजा जाएगा, यानी कि उसको उसके ही घर में 14 दिन के लिए बंद कर दिया जाएगा। आपको बताएं कि सरकार की तरफ से 21 दिनों का लॉकडाउन है पूरे देश में, और उस लॉकडाउन के बीच में कई जगहों से खबरें आ रही हैं कि लोग लॉकडाउन तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो ज़रूरत से निकल रहे हैं, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो बिना ज़रूरत के भी घरों के बाहर आ रहे हैं। ऐसे में बिहार की बात करें तो बिहार के कई थाना क्षेत्रों में ऐसे लोगों के खिलाफ में जो है FIR तक हुई है। उन तमाम लोगों के खिलाफ में कानूनी जो कार्रवाई है वो भी होने वाली है। लेकिन अब सरकार इससे भी सख्त हो गई है, यानी कि जिस तरीके से एक के बाद एक जिस तरीके से कोरोना पेशेंट्स जो हैं वो बिहार में बढ़ते जा रहे हैं, जो संदिग्ध हैं उनकी संख्या बढ़ रही है, ऐसे में अब सरकार जो है वो कोई भी रिस्क लेने को तैयार नहीं है। लिहाजा इस बात का अनाउंसमेंट कर दिया गया है कि अगर कोई लॉकडाउन तोड़ते हुए नजर आता है तो उसे 14 दिनों के लिए उसके ही घर में कैद कर दिया जाएगा। तो ये बड़ी ज़रूरी खबर है, इसलिए क्योंकि देश भर में लॉकडाउन है, लोगों से लगातार अपील की जा रही है प्रधानमंत्री के स्तर से, मुख्यमंत्री के स्तर से, कि लोग घरों के बाहर ना निकलने के बावजूद इसके अभी भी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो घरों के बाहर निकल रहे हैं। इन तमाम चीज़ों के बीच में जाहिर तौर पर पुलिस को परेशानी हो रही है, कई जगहों पर तो पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ रहा है। ऐसे में अब जो नया आदेश है उसके मुताबिक अगर आप बार बार लॉकडाउन तोड़ते हुए नजर आते हैं तो आपके खिलाफ जो है कठोर कार्रवाई करते हुए आपको 14 दिनों का होम क्वारंटाइन जो है वो किया जाएगा, यानी कि आपको घर में ही रहने के लिए बाध्य किया जाएगा। इतनी सख्ती जो है वो बढ़ती जाएगी ताकि किसी या कुछ लोगों की वजह से आप ये कह सकते हैं कि बेवजह जो है जो कोरोना का संक्रमण है वो ना फैले। इन तमाम चीज़ों के बीच में लगातार बिहार के DGP, बिहार के गृह सचिव, बिहार के मुख्य सचिव, ये तमाम लोग हैं वो अपील कर रहे हैं लोगों से कि घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। आपको छोड़ जाते हैं कुछ वीडियोस के साथ, देखिए किस तरीके से पुलिस ने लॉकडाउन तोड़ने वालों को कई जगहों पर पीटा तो कई जगहों पर समझाती नजर आई।